अब बात उस झटके की जो आज कांग्रेस को मिला है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को खारिज कर दिया है और इस तरह से कांग्रेस के मिशन महाभियोग को करारा झटका लगा। संविधान के जानकारों ने जहां उपराष्ट्रपति के इस फैसले को सही बताया है, वहीं कांग्रेस इस फैसले से भड़क गई है। महाभियोग के मसले पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। उपराष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाने का सपना पालने वाली कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। वेंकैया नायडू ने कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया है। 3 दिन बाद उपराष्ट्रपति ने अपना फैसला सुनाया। इसके लिए उन्होंने संविधान विशेषज्ञों से राय ली और महाभियोग की नोटिस को खारिज कर दिया। नोटिस खारिज होने के पीछे कई आधार बताए गए। नोटिस खारिज होने की पहली वजह है, कांग्रेस के आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी वजह है, किसी आरोप से सीजीआई पर पद के दुरुपयोग के आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। तीसरी वजह है, कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसकी आगे जांच की जरूरत हो। चौथी वजह है, सीजीआई का कामकाज पूरी तरह से न्यायपालिका के दायरे में है। पांचवी वजह है, सीजीआई के कामकाज पर उठाए गए सवाल आधारहीन है। छठी वजह है, न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है, इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं दे सकते। सातवीं वजह है, संविधान विशेषज्ञों की राय महाभियोग के नोटिस के खिलाफ है। आठवीं वजह है, नोटिस सौंपने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आरोपों को सार्वजनिक किया गया, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जब मोशन है, मोशन या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, यहाँ रिजेक्ट हो गया है, ठीक तो है। जब ग्राउंड ही कोई नहीं है आपके पास, तो ये ड्रामाबाजी करने का फायदा क्या है? आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हो जनता का, लेकिन मुझे लगता है खुद बन रहे होगे। वहां भी जाके हंगामा होगा। हंगामा ये होगा कि हमें वो जज चाहिए हमारे मतलब का, जो जिसके सामने हम बहस कर सके। हम बहस ही नहीं करना चाहते जो जज चीफ जस्टिस नियुक्त करता है। इसके 2 परिणाम है। एक तो है कि जो जज नियुक्त करता है चीफ जस्टिस, वो डिसऑनेस्ट है। अगर वो डिसऑनेस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है क्यों? तो इक्वल है, सब कुछ है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, इनका ड्रामा होगा, खूब ड्रामा होगा। उपराष्ट्रपति ने नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि महाभियोग को लेकर लगाए गए 5 आरोपों पर मैंने विचार किया। नोटिस में दिए गए किसी भी तथ्य से ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि चीफ जस्टिस दुर्व्यवहार के दोषी हैं और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। और भी डॉक्यूमेंट्स बहुत होंगे, मगर एडमिशन स्टेज के लिए ये जो फाइनल स्टेज का मापदंड है, उसको अप्लाई करना एक पेटेंट एरर है मेरे विचार में। पहले दिन ही जैसे इनकी याचिका आती या पिटिशन आती, इसको कूड़े के टोकरी में फेंकना चाहिए था। फिर भी उन्होंने इनको तसल्ली के लिए इस पूरा पढ़कर वो इस राय पर पहुंचे, जो सही राय है कि जो भी है उसमें कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ न्यायाधीशों को डराने के लिए इन्होंने ऐसा किया। उपराष्ट्रपति से झटका मिलने के बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का कहना है कि उपराष्ट्रपति के पास नोटिस खारिज करने का हक नहीं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होने से पहले ही खारिज कर दिया। अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। कांग्रेस अब उपराष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, हालांकि उसे यहां भी समर्थन नहीं मिल रहा। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पहले का कोई फैसला नहीं है जिसके मुताबिक हम ये आज कह सकें कि आगे क्या होगा। जिन सदस्यों ने इस मोशन को प्रस्तावित किया था, वो अपने विवेक के मुताबिक इस पर फैसला करेंगे। कांग्रेस के नोटिस के फौरन बाद ही अरुण जेटली ने इसे जस्टिस लोया केस में हार का बदला करार दिया था। अब बीजेपी और आक्रामक हो गई है। ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो ओछी है
वह सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस पर हमला है और इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान की जनता बहुत बुद्धिमान है। उपराष्ट्रपति के फैसले से कांग्रेस बैकफुट पर है। उसकी इस बड़ी मुहिम को पहले दौर में जो झटका मिला है उससे उबर पाना आसान नहीं है। मनीष झा के साथ आनंद प्रकाश पांडे और देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। चीफ जस्टिस के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील सामने आ गए हैं। इन वकीलों ने महाभियोग के नोटिस को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया। वकीलों का कहना है कि उपराष्ट्रपति ने अपने फैसले से न्यायपालिका की गरिमा को बचाने का काम किया। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष झा की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस के मामले में महाभियोग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी चीफ जस्टिस के पक्ष में उतर कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में काम करने वाले वो तमाम लोग जिनके प्रमुख चीफ जस्टिस बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, उन्होंने भी आज एक मीटिंग की है। मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की है कि चीफ जस्टिस के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। वो आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को इससे बेहद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो बात सड़क पर हो रही है उसकी वजह से न्यायपालिका की ना सिर्फ छवि धूमिल हुई है बल्कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के काम करने में स्वतंत्र रूप से भी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। हम लोग महामहिम उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत के इस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद होने से बचा लिया। अब जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो ये कि एक बार जब 50 से अधिक सांसदों ने साइन कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट को इस पर अपने माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है कि ये संविधान के तौर पर सही है? नहीं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है कि वो इसको एक्सेप्ट करें और मोशन को और रिजेक्ट करें, और उन्होंने पूरा जो ऑर्डर है हम लोगों ने बाद में देखा भी है इसको, तो पूरी तरह उन्होंने एक एक पॉइंट पर उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया और उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन दिया है और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्होंने अपहोल्ड किया है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहता है। आपको लगता है कि इस मामले में अदालत दखल कर सकती है? क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस फैसले का? इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये चेयरमैन राज्यसभा ने एज ए कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन राज्यसभा कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पिटीशन को डिसमिस किया है, इसलिए यहाँ पे कोई उपाय नहीं। फाइल करने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता, पर ये यहाँ मेंटेनेबल नहीं है।